हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आज हमारा लेक्चर जो होगा नेक्स्ट टेंथ क्लास का लेक्चर है, और इस लेक्चर के अंदर हम आगे जो हमारा टॉपिक आ जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका किन किन चीजों पर डिपेंड करता है वो सारी चीजें हमने डिस्कस की, और उन सब चीजों के बारे में हमने डीपली पढ़ा। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। आज का हमारा जो टॉपिक होगा बच्चों होगा इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कौन सा टॉपिक होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक सर्किट। हेडिंग डालिए बच्चा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली अरेंजमेंट होता है। बेसिकली क्या होता है? एक अरेंजमेंट। किस किन चीजों के अरेंजमेंट होते हैं? जो इलेक्ट्रिकल की एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे हमारे घर में फ्रिज लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, ठीक है, एसी लगा हुआ है, बल्ब्स लगे हुए हैं, बहुत सारी ऐसे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस जो लगी हुई हैं, उन सबको कंबाइंड करके एक अरेंज करके वो जो सर्किट तैयार होता है, एक परिपथ जिसको बोलते हैं, परिपथ तैयार होता है या पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो बनता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन जो होती हैं वो सबको अरेंज करके एक सर्किट तैयार किया जाता है, एक कंप्लीट अरेंजमेंट किया जाता है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन को यूज करके आपको दिखाता हूं, और उन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, इस तरीके से मैंने एक बनाया, ये देखिए, और ऐसा। ठीक है, ये होता है स्विच या की जिसको बोलते हैं की। यहां पे जो छोटा डंडा है, ध्यान से देखिए, ये जो छोटा डंडा है इसके ऊपर हमेशा कैसा टर्मिनल कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज शो करना है, नेगेटिव टर्मिनल इसको दिखाना है, और जो बड़ा है बेटा उसको हमेशा पॉजिटिव दिखाना है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन कल मैंने आपको बताई थी, करंट कहां से कहां मूव करता है बेटा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। कहां से कहां मूव करता है करंट? पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो ये देखिए, ये हमने क्या लगा दिया बेटा? इसके अंदर एक बल्ब लगा दिया। ये हमारी वायर है जो हमने किसके लिए है बेटा? कॉपर के लिए है। ये हमारी की है, देखिए, एक की हमने लगाई, एक बैटरी। ये क्या है? हमारी बैटरी है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? और सेल। क्या बोल सकते हैं? सेल। ये वायर है, इस वायर में अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन तो करंट कहां से कहां जाएगा बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव से ऐसे नेगेटिव में जाएगा, इस पॉजिटिव से ऐसे नेगेटिव में जाएगा। कब जाएगा? जब इस की को हम क्या कर देंगे? स्विच ऑफ। क्या कर देंगे? स्विच ऑन। इस की का क्या कर देंगे? स्विच ऑन। इसको प्रेस कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? प्रेस। व्हेन की इज प्रेस देन करंट स्टार्ट फ्लो फ्रॉम द सर्किट, फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जैसे ही की को प्रेस करेंगे करंट ऐसे जाएगा तो बल्ब क्या करना शुरू कर देगा? ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। बल्ब क्या करना शुरू कर देगा बेटा? ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो अरेंजमेंट है, एक बल्ब लिया, वायर ली हमने, यहाँ पे बैटरी ली, स्विच लिया, इन अरेंजमेंट से हमने एक पूरा सर्किट बना दिया। इस सर्किट को क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट की डेफिनेशन राइट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिखिए डेफिनेशन, मैं राइट बोल रहा हूं। ए कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग, ध्यान से सुनिए, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ए कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ए स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ ए सेल और ए बैटरी along which an electric current
विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके नीचे आप ये डायग्राम बना सकते हो और इस डायग्राम से आपको ये डेफिनेशन याद रहेगी। ओके, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई जरूरी नहीं है बेटा ये कि बल्ब लगे, बहुत सारे बल्ब लग सकते हैं, हम बहुत सारी एप्लीकेशन लग सकती है। ये मैंने एक सिंपल अरेंजमेंट आपको बना के दिखाया है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझाया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिंबल्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किस जगह हम यूज करेंगे और किस प्रकार के सिंबल होंगे, क्योंकि ये 10th क्लास में ही नहीं बच्चों, बेसिकली ये 12th क्लास के फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एज इट इज सिंबल्स आपको बहुत जगह यूज करने होंगे। अगर आपको सिंबल ही नहीं पता है तो आप आगे फिजिक्स को नहीं पढ़ पाओगे, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि हर इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हम सिंबल यूज करेंगे। उस सिंबल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या किया गया है। 12th क्लास के करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में वहां पे भी आपको सिंबल की बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए इन सिंबल को ध्यान से समझना। हेडिंग डालिए सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। सबसे पहले मैं सिंबल्स बनाता हूं, यहां पे पहला सिंबल, यहां पे ऐसे आपको एक सिंबल दिखने को मिलेगा हर डायग्राम के अंदर, पूरे डायग्राम जितने भी आप डायग्राम पढ़ोगे हर डायग्राम के अंदर ऐसा सिंबल आपको देखने को मिलेगा। और इस डायग्राम के, ये डायग्राम जो सिंबल्स मैंने बनाया है किसका बेटा, या तो आप इसको सेल बोलोगे या फिर आप इसको क्या बोलोगे, बैटरी बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, बैटरी। लेकिन इसमें ये जो छोटा डंडा आपको दिखाई दे रहा है इस पे आपने नेगेटिव चार्ज रखना है, इसके ऊपर आपने बड़े डंडे पे क्या रखना है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि बिग जो वोल्ट्स दिखा रखी हैं, बिग वोल्ट्स के ऊपर आपने पॉजिटिव और स्मॉल वोल्ट के ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट करना है, नेगेटिव साइन को इंडिकेट करना है। क्या साइन इंडिकेट करना है, नेगेटिव साइन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा है प्लेट और एक ऐसा प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है और इस प्लेट पे क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है। इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है और इस प्लेट पे क्या चार्ज एक्यूमुलेट होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है। ये जो प्लेट होती है ये हायर पोटेंशियल होता है, क्या होता है बेटा, हायर पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, हायर पोटेंशियल को शो करेगा, यानी कि यहां पे एनर्जी जो होगी, बेसिकली मैं कह सकता हूं यहां पे जो एनर्जी होगी वो एनर्जी भी क्या होगी बेटा, हाई होगी। क्या होगी, हाई। और ये जो है ये किसको शो करता है बेटा, लो पोटेंशियल को शो करता है। किसको शो करता है, लो पोटेंशियल को, यानी कि लो एनर्जी को, और या लो एनर्जी, किसको, लो एनर्जी को शो करता है। तो ये होता है, इसलिए लो एनर्जी, इसलिए इसको क्या कैसा बनाया जाता है बेटा, छोटा, और इसकी एनर्जी हाई होती है इसलिए इसको क्या बनाया जाता है, बड़ा। पॉजिटिव एक चार्ज एक्यूमुलेट होता है इसलिए इसके ऊपर साइन कैसा शो किया जाता है, पॉजिटिव। इस पे कैसा चार्ज एक्यूमुलेट होता है, नेगेटिव, इसलिए इसको कैसा शो किया जाता है, नेगेटिव। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि यहां पे आपने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन को, तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है, मैं बार बार जिक्र करता हूं, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। जब ये चार्ज यहां पे छोड़ेगा, मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में बताया था कि अगर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज, जो फ्री है ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट। दूसरी बात, यहां पे एनर्जी भी ज्यादा है, तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। क्या कर लेगी बेटा, अट्रैक्ट। अगर ये इस तरफ अट्रैक्ट हो गया, देखिए इलेक्ट्रॉन कहां मुंह कर गए, पॉजिटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव की तरफ मूव कर गए, तो कल पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी की थी, करंट की डायरेक्शन जो होती है बेटा वो अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि करंट कहां से कहां मूव करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन करंट कहां से कहां मूव करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। हो गया ना बेटा उल्टा, इसका इनवर्स हो गया ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव करते हैं, देखिए ध्यान से लिख लेना, इलेक्ट्रॉन्स
मूव लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब आपने हमेशा ध्यान रखना है क्यों मूव करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, वी विल ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर, देयरफॉर वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इज हायर पोटेंशियल ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल एंड करंट इज अपोजिट टू इट्स करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बात आपने ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर? तो ये आपका पहला सर्किट है, ये पहला डायग्राम। आपको ये पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है। पहला डायग्राम क्लियर है, पहला सिंबल क्लियर है आपको, तो ये आपका पहला, ठीक है। इसको नोट कर लेना, अपनी फिर नोटबुक के अंदर बना लेना। मेरा मानना है आप साथ साथ में अपने कॉपी पेन लेके बैठा करो साथ में बेटा, जैसे ही आपको ये लगेगी ये चीज नोट करने की, स्क्रीन को पॉज करो, फिर उसके बाद उसको क्या करोगे उसको नोट कर लो स्क्रीन को पॉज करके, और फिर आगे वीडियो को फिर अलग से चलाओ, वीडियो को कंप्लीट देखा करो। ये नहीं है कि वीडियो को आपको बीच में छोड़ दिया, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपने कभी नहीं पढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऐसा, नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो सिंबल है वो ऐसा आपको देखने को मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो ये आपकी जो ये जो ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखाई देंगी ये आपकी बोली जाएंगी कनेक्टिंग वायर। सिंपल है बिल्कुल, आपको ऐसे दिखाई दे तो कनेक्टिंग वायर। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है बेटा, कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस होता है, कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है बेटा, जीरो होता है। अब आप सोच रहे होगे सर ये रेजिस्टेंस कहां से आ गया, डरने की बात नहीं है बेटा, नेक्स्ट हम जब भी पढ़ रहे जैसे जैसे हमारा लेक्चर लीड करता जाएगा आगे चलता जाएगा तो आपको रेजिस्टेंस के बारे में भी पता जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है। ओके, अभी बेसिकली आप इसमें कनेक्टिंग वायर के साइड में लिख लेना रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, किसका, सिर्फ कनेक्टिंग वायर का, किसका, कनेक्टिंग वायर का, ये ध्यान रखना, सिर्फ रेजिस्टेंस होता है जीरो। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थर्ड सिंबल की तरफ चलते हैं, कौन से सिंबल की तरफ चलते हैं बेटा, थर्ड सिंबल। अब थर्ड सिंबल कौन सा है, आपको ऐसा मिलेगा थर्ड सिंबल, ऐसा। अगर आपको ये टी स्टाइल मिल जाए, जैसे ऐसा हम जो अल्फाबेट्स होते हैं उनमें टी लिखते हैं, टी वर्ड्स ऐसा आता है, तो ऐसा मिल जाए तो आप समझ लेना हमने कहीं ना कहीं वायर को क्या कर दिया है, ज्वाइंट किया है, क्या किया है, ए वायर ज्वाइंट, यानी कि वायर जब ज्वाइंट की जाएगी तो ऐसा सिंबल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है बेटा फोर्थ हमारा कौन सा होगा, आपको ऐसा देखने को मिलेगा ऐसा, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे करके फिर ऐसे एरो लगा दिया जाएगा। ये जो है ना, ये ऐसा सिंबल अगर आपको देखने को मिले तो ये सिंबल होता है बेटा रियोस्टेट। अभी सिंबल याद कर लो, ये रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट का काम होता है बेटा एडजस्ट द पीडी का मतलब है पोटेंशियल, पी का मतलब है पोटेंशियल, और डी का मतलब है डिफरेंस, पीडी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रियोस्टेट। या तो आपको ऐसा सिंबल बनाना है जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस एडजस्ट करना हो, या फिर आपने ऐसा बना सकते हो, मैं आसान दे देता हूं आपके लिए, ऐसा बनाओ और इसके ऊपर आप क्या लगा दो, एक ऐसा एरो लगा दो बीच में, ये भी इसी का काम करेगा, ये सिंबल भी किसका काम करेगा, रियोस्टेट का ही काम करेगा। ओके, तो ये चार सिंबल हो गए हमारे, अगले सिंबल्स के ऊपर आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सिंबल की तरफ देखिए, ऐसा सिंबल आपको मिलेगा देखने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव एम्पियर, ये है आपका एमीटर, क्या बच्चों, ये एमीटर, ये क्या है, एमीटर। एमीटर का काम क्या होता है, मेजर द फ्लो ऑफ करंट। और ये कैसे लगाया जाएगा, इट ऑलवेज
कनेक्टिंग इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन आपने एक ही बात याद रखनी है, बेसिकली अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन वो होता है अगर किसी, मान लो आपके पास एक पॉइंट है, ये ठीक है, ये पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आपको ए से बी पे जाना है। अगर ए से बी पे जाने के केवल आपके पास कितने रास्ते हो, एक ही रास्ता हो, एक ही पाथ हो, तो वो जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर ऐसा हो जैसे ये बी पॉइंट है तो इसके पास आपको ऐसा रास्ता दिया गया हो, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये क्या पॉइंट है बेटा, बी पॉइंट। अब ए से बी के जाने के लिए कितने रास्ते हैं, आप ऊपर से होके जा सकते हैं, सीधे जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, लेकिन इसमें कितना रास्ता, एक, तो ये सीरीज है और ये कौन सा है बेटा, पैरेलल। ये कौन सा है, पैरेलल, और ये कौन सा है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज और ये पैरेलल। पैरेलल में एक से ज्यादा रास्ते मिलेंगे दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, सीरीज में केवल कितने रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता मिलेगा। इसलिए एमीटर किस में लगाया जाता है, हमेशा सीरीज में। सीरीज में क्यों लगाया जाता है, ताकि जितनी भी करंट है वो सबको क्या कर सके, मेजर कर सके। अगर हम यहां लगा देते तो कुछ करंट यहां से चली जाती और कुछ करंट यहां से चली जाती, इस नीचे वाले पोर्शन को ये मेजर नहीं कर पाता, नहीं माप पाता, तो सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को माप पाता, हमें नहीं पता कि इनके बीच में करंट कितनी है। इसलिए हम इसको कहां लगाते हैं, सीरीज में, ताकि हमें ये टोटल करंट बताए, ताकि हमें क्या बताए बच्चों, ये टोटल करंट बताए, ठीक है। अगर टोटल करंट बताएगा तभी तो इसका यूटिलाइज होगा, नहीं तो हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, ओके। उसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट सिंबल। नेक्स्ट सिंबल हमारा क्या है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल के बारे में देखिए ध्यान से, नेक्स्ट सिंबल जो है हमारा वो इस प्रकार से है, ऐसा ही बनाना है, बीच में वी राइट करना है और ये एक प्लस और ये एक माइनस। ये किस में जोड़ा जाता है बच्चों, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मैंने पहले भी बताया था, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, छोटी सी करंट को लेता है और हमेशा किसको, किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है बच्चों, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऐसा सिंबल मिलेगा, नेक्स्ट सिंबल ऐसा मिलेगा, कैसा मिलेगा, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये क्या होता है हमारा, ओपन स्विच। क्या होता है बेटा ये, ओपन स्विच, इसको क्या बोलते हैं हम, ओपन स्विच, ठीक है। और इसी को अगर ऐसे कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, मान जैसे ये है तो ओपन स्विच, अगर इसी को मैं ऐसा कर दूं, ऐसा, तो ये हो जाएगा क्लोज स्विच। ये क्या हो जाएगा, क्लोज स्विच। क्लोज स्विच का मतलब क्या है, जैसे इसको क्लोज करेंगे तो करंट क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी फ्लो ना, करंट क्या हो जाएगी, स्टार्ट। कई बार आपकी बुक में क्लोज स्विच होगा, क्लोज स्विच को बच्चे क्या समझ लेते हैं कि करंट नहीं जा रही, मतलब बंद हो गया, बंद, इसका मतलब ये नहीं है। ओपन का मतलब क्या था, यहाँ पे टूटा हुआ था। ओपन का मतलब क्या था बच्चों, यहाँ पे टूटा हुआ था सर्किट, और क्लोज करने का मतलब क्या, सर्किट को हमने जोड़ दिया, सर्किट को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। और ये तो हम डेली लाइफ में देखते ही हैं, जैसे हम सर्किट को जोड़ते हैं तभी तो करंट स्टार्ट होती है फ्लो ना। अगर सर्किट को हम जोड़ेंगे नहीं, सर्किट को हम कंप्लीट ही नहीं करेंगे तो करंट स्टार्ट नहीं होगी फ्लो ना। इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज स्विच और इसको बोलते हैं ओपन स्विच। ओपन स्विच में करंट फ्लो नहीं होती, क्लोज स्विच में करंट क्या होती है, फ्लो होती है, क्लियर है। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। उसके बाद एक सिंबल्स और रहता है, वो सिंबल्स मैं आपको बता देता हूं। ये सिंबल अभी मैंने बनाया था, तो ये सिंबल्स किसका है बेटा, बल्लभ का सिंबल है। किसका सिंबल है, बल्लभ का। इसी के साथ हमारे सिंबल्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। सिंबल्स क्या हो जाते हैं हमारी, कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको बोलते हैं ओम्स लॉ। उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा, पेपर के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और प्लस टू क्लास में जब भी आपको ये चीज पढ़नी है। लेकिन इसका थोड़ा सा आप क्या पढ़ोगे, इसको डीपली पढ़ोगे प्लस टू क्लास के अंदर। ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आएगा ओम्स लॉ, ओके। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको पढ़ना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स एक साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट ने एक डिस्कवरी की, इन्वेंशन किया, एक लॉ बनाया। लॉ कैसे बनाया, उसने देखा कि आपके पास मान लेते हैं कंडक्टर है, क्या है बेटा आपके पास एक कंडक्टर है, उस ये आपका क्या है बेटा, एक कंडक्टर, मैं लिख देता हूं क्या है, ये कंडक्टर। ये मान लेते हैं किसका लिया मैंने, कॉपर का लिया है, किसका लिया है, कॉपर का। इसको वायर, ये क्या है वायर, इसको वायर से यहां से क्या जोड़ दिया हमने, एक बैटरी से। ये क्या है हमारा, एक क्या है बेटा, एक ये स्विच, और ऐसे इस वायर से जोड़ दिया। ये क्या है, स्विच, ये क्या है, बैटरी,
इसका ये टर्मिनल नेगेटिव, ये कैसा लेना पॉजिटिव, ये हमारा क्या है कंडक्टर। यहां हमने जोड़ दिया इसमें किसमें, एमिटर। क्या जोड़ दिया बेटा, एमिटर। इसके पैरेलल में हमने क्या जोड़ दिया, वोल्टमीटर। क्या जोड़ दिया बेटा हमने, वोल्टमीटर। अभी बताया था ना मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के कितने रास्ते हो, दो रास्ते। कितने रास्ते हो, दो रास्ते। अगर दो रास्ते हैं तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन, इससे एक तो ऐसे जाया जा सकता है, एक ऐसे जाया जा सकता है, तो ये किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में। इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने के कितने रास्ते, एक रास्ता, तो किस कॉम्बिनेशन में बेटा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये क्या आपका वोल्टमीटर, ये क्या आपका एमीटर, ये क्या बेटा एमीटर, एमीटर, और ये क्या बेटा आपका वोल्टमीटर, वोल्टमीटर, ये बैटरी। अब ओम्स ने क्या बताया, ओम्स ने पता क्या रीडिंग ली, ओम्स ने रीडिंग धीरे धीरे क्या किया, जैसे स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच को क्या कर दिया क्लोज, जैसे स्विच को क्लोज किया तो यहां से करंट बहना स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर गए। जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर गए तो ध्यान से सुनिए क्या हुआ, इसमें करंट की वैल्यू बढ़नी शुरू होगी, इसमें करंट की वैल्यू क्या होनी शुरू होगी, बढ़नी शुरू होगी। ये क्या देता हमें, ये पोटेंशियल क्या देती है बैटरी, हमें क्या देती है बेटा पोटेंशियल, बैटरी क्या देती है पोटेंशियल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इस पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे होता है, इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल और इस पे कैसा पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। अब दिखने में दोनों देखो एक साथ बनाए मैंने, लेकिन यहां पे छोटे बड़े, इसका पोटेंशियल क्या होता है लो, इसका पोटेंशियल क्या होता है हाई, इसलिए इसको छोटा बना जाता है, इसको बड़ा बना जाता है। बेसिकली क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या देता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। क्या देता है बैटरी हमें, पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखना हमेशा। अगर आपको ये दिया गया, मान लो आपको ये बोल दे कि 10 वोल्ट की बैटरी है, कैसी है हमारी 10 वोल्ट की बैटरी, तो ये 10 वोल्ट क्या है बेटा, दैट इज नॉट पोटेंशियल, ये पोटेंशियल नहीं है। कहीं आप सोचो कि सर पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल नहीं है, ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है बेटा ये, पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी हमेशा आपको क्या देती है, पोटेंशियल डिफरेंस देती है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, स्विच को क्लोज किया गया, तो आपने देखा इस एमीटर में कुछ रीडिंग, ये एमीटर ऐसा होता है बेसिकली, ऐसा ऐसा, इसमें कांटा लगा होता है, ऐसे ऐसे कांटा लगा होता है, ये जीरो होता है और ये रीडिंग ऐसे देता है, दो तीन चार पांच छह, ऐसे ऐसे रीडिंग देता है। तो ये कांटा कहां चला गया, यहां चला गया। जैसे ही पोटेंशियल बढ़ा तो ये कांटा यहां आ गया। अब देखा कि पोटेंशियल को कैसे मेजर करेंगे, सर हमने पोटेंशियल को कैसे मेजर किया, इसको मेजर करने के लिए हमने क्या लगा दिया बेटा, वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर क्या करता है, मेजर करता है किसको, पीडी को। किसको मेजर करता है, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पे वोल्टमीटर किसको मेजर करेगा, जब जितना हम पोटेंशियल देंगे। अब पोटेंशियल अपनी मर्जी से कैसे देंगे, अभी मैंने बताया था यहां पे क्या लगा दो बेटा, एक रियोस्टेट। क्या लगा दो, एक ये किसका सिंबल है, रियोस्टेट। अभी बताया था रियोस्टेट क्या करता है, एडजस्टमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस, एडजस्टमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर यह रियोस्टेट क्या करेगा, जितना हम चाहें उतना पोटेंशियल दे सकते हैं। मैं रीडिंग ले लेता हूं, ऐसे नोट कर लेता हूं एक टेबल में, यहां पे मैंने डेल्टा वी रख लिया और यहां पे मैंने क्या रख लिया, आई। डेल्टा वी क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी किसके लिए लिया है मैंने बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही मैंने डेल्टा वी जीरो था तो करंट भी कितना था, जीरो, इसमें रीडिंग जीरो थी। डेल्टा वी को मैंने किया टू तो रीडिंग इसकी कितनी आ गई, टू। इसको किया फोर, इसकी भी फोर। इसको किया सिक्स, इसको किया सिक्स, अपने आप सिक्स हो रहा है ये। इसको किया एट, ये भी एट। अब जैसे जैसे देखो हमने कितना बढ़ाया इसको, सॉरी हाँ ये दो था, जितना हमने इसको बढ़ा रहे उतना ही हमारा क्या बढ़ रहा है, करंट। ये किसने बताया, ओम्स ने बताया, कैसे, इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी से। कैसे, इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ ओम्स लॉ, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स ने क्या बताया, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हो तो करंट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसके लिए उसने इक्वेशन लिख दी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये इक्वेशन लिख दी और ये इक्वेशंस, ये इक्वेशन कहलाती है आपका ओम्स लॉ। ये इक्वेशन क्या कहलाती है आपका, ओम्स लॉ। तो डेफिनेशन लिखिए ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ की डेफिनेशन मैं यहां पे राइट कर देता हूं बच्चों, अगर आपको कोई दिक्कत हो इस जगह पे राइट कर देता हूं मैं थोड़ा सा। इस डायग्राम को आपने बना लेना है अच्छे से,
और फिर पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है नोट्स के अंदर, उसके बाद आपने डायग्राम को बनाना है। तो लिख लीजिए एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन द करंट फ्लोइंग करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी, उसके बाद उसका डायग्राम बनाओ और उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे, या कुछ न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ यहां तक आपने करना है। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हमें ग्राफिकल स्लोप वगैरह की बात करेंगे, स्लोप क्या होता है, स्लोप हमें क्या देता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो आई लिखा है इसको कैसे सोल्व करेंगे आगे। ये हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंटल किया, हमने सिर्फ क्या किया है, एक्सपेरिमेंटल, ओनली एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की है। इसकी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो इसके नेक्स्ट लेक्चर में की दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, भी रेजिस्टेंस इसको कैसे खोलें, इसकी जगह कौन आएगा, ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर वो वेरी कैसे करेगा, इसके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये किसके लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड नहीं है, स्लोप क्या होता है, स्लोप हमें क्या देता है, स्लोप को चेंज करने से किसकी वैल्यू चेंज होगी, और स्लोप के चेंज होने से आई और वी की में क्या क्या चेंज आएगा, वी किस पे डिपेंड करता है, आई किस पे डिपेंड करता है, ये सारी चीजें जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, पूरी वीडियो को वॉच किया करो, पूरी वीडियो को वॉच करने के बाद इसके नोट्स प्रिपेयर किया करो, नोट्स प्रिपेयर करने के बाद जो भी क्यूरी है, जो भी डाउट है, आपको वीडियो जो है आपको कैसा लगा, मेथड कैसा लगा पढ़ने का, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताया करो, ताकि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा ये लगे कि वीडियो बनाने में मजा आ रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है, बच्चे को सीख रहे हैं, ये चीजें जरूरी होती हैं, तभी मेरे लिए खुद को भी फायदा होगा। ओके, थैंक यू।